प्रमाणित कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती के सिद्धांतों और प्रथाओं पर विश्वसनीय जानकारी में आपका स्वागत है। मैं शशि रंजन, आपका साथी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कृषि में स्नातक एवं बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मुझे भारत भर में किसानों ट्रेनिंग का 25 वर्षों का अनुभव है। मैं फार्मिशो चैनल पर आपका सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आपकी खेती की सभी ज़रूरतें फार्मिस्टो ऐप पर प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। आइए अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने खेत से अधिक उत्पादन करें। आज हम भिंडी के विभिन्न रोगों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि मुख्यतः येलो वेन मोजाइक वायरस या पीला सिरा मोजाइक वायरस भी है, दूसरा पॉडरी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग जिसे पादप गलन या पौध गलन भी बोलते हैं, और फ्यूजेरियम विल्ट या वर्टिसिलियम विल्ट। हम इन चारों बीमारी के बारे में एक एक करके जानते हैं। येलो वेन मोजाइक वायरस, जिसे पीला सिरा मोजाइक वायरस भी बोलते हैं, इसमें पत्तियों की नसें या सिराएं वायरस के प्रभाव से सफ़ेद हो जाती हैं। तो बीच बीच में क्षेत्र जो है पत्तों का पूरी तरह से पीला या सफ़ेद हो जाएगा। पत्तों की नसों का पूरा नेटवर्क का पीला होना ही इस बीमारी का विशेष लक्षण है। गंभीर संक्रमण में युवा पत्तियां पहले पीली हो जाती हैं और आकार में छोटी भी हो जाती है। खेत के एक ही जगह पर एक से अधिकांश पौधे भी पीले हो सकते हैं और येलो वेन मोजाइक वायरस के संक्रमण से पौधे का विकास किसी भी चरण में शुरू हो सकता है, छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी से फैलता है और जब भी सफ़ेद मक्खी का आक्रमण होगा उससे ये बीमारी स्वस्थ पौधे में सफ़ेद मक्खी जब संक्रमित पौधे पे बैठती है और उसके बाद जब स्वस्थ पौधे में बैठती है तो स्वस्थ पौधे में भी वो बीमारी हो सकती है, चाहे वो पौधा किसी भी चरण में हो। संक्रमण फूल और फलों में भी संक्रमित होता है और प्रभावित पौधे पीले या सफ़ेद रंग के तो फलों का उत्पादन करते हैं और ये पीले फल हो जाने के बाद या सफ़ेद फल हो जाने के बाद बाजार में बिक्री के लिए फिट नहीं होते या उसका बहुत कम दाम मिलता है। नियंत्रण के उपाय में सबसे महत्वपूर्ण है रोग सहिष्णु या प्रतिरोधी किस्मों का बीज का रोपण। कुछ रोग प्रतिरोधक किस्में इस प्रकार से हैं, जैसे पूलक सीड के जीनत और श्री राधा और IIHL बैंगलोर का अर्का अनामिका, ननहम्स जो बायर की कंपनी है उसके सम्राट वगैरह वगैरह। कुछ सहनशील किस्में निम्नलिखित हैं, जैसे ननहम्स का शिवांश, भलसार का OSOH 2121 और महीको का माही 28। OP वैरायटी है जैसे परभनी क्रांति वगैरह वगैरह, और बाज़ार में और भी किस्में उपलब्ध हैं, आप बाज़ार में भी चयनित कर सकते हैं। वैसे ये दोनों उत्पाद फार्मिस्टो चैनल पर उपलब्ध हैं जो हमने चित्र में दिखाया गया है, पूलक बीज का जीनत और सीधाधा और भलसार का OS OH 2121। आप इन्हें फार्मिस्टो चैनल पर फार्मिस्टो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मोबाइल ऐप पर घर बैठे खरीद सकते हैं। नियंत्रण के अन्य उपायों में, जैसा हम पहले बता चुके हैं, ये पीला सिरा मोजाइक वायरस सफ़ेद मक्खी से फैलता है, तो इसके लिए हम नीम की निम्बोली या नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि मक्खियाँ ना लगें या उड़ जाएं। रिपेलेंट का काम करती है नीम की तेल, तो इसके लिए जो है सो हम नीम की निम्बोली 10 किलोग्राम लेकर के और उसको पीस कर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। नीम का तेल रेडीमेड भी आता है, हमारे फार्मिस्टो ऐप पर आप इसको एजा पावर एक खरीद सकते हैं, 1 लीटर का छिड़काव 200 लीटर पानी में मिलाकर करना है। साथ ही कुछ रासायनिक भी हैं कंट्रोल जो हम डाल सकते हैं, कीटनाशक, जैसे कि इफ्को का सेनपाई जो कि 50 से 60 ग्राम का छिड़काव करना है 200 लीटर पानी में, या इफ्को का टैयो जो 40 ग्राम को 400 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, और इफ्को का हमाडा भी आता है जैसे 100 मिलीलीटर का छिड़काव 200 लीटर पानी में मिलाकर कर सकते हैं। इन सारे रासायनिक कीटनाशक से मक्खियाँ जो है सो मर जाती हैं या नहीं लगती हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्प्रे के बाद
भिंडी तोड़ने से पहले 7-10 दिन का प्रतीक्षा जरूर करना चाहिए। दूसरा फफूंदी जनित रोग है पॉडरी मिल्ड्यू। इसमें जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पत्ती के ऊपरी सतह पर ग्रेइस स्लेटी पाउडर का विकास हो जाता है और साथ साथ फल की पैदावार में भी भारी कमी होती है। पूरे पत्तियों पर सफ़ेद पौधे का लेप जैसा चढ़ जाएगा और यदि पौधे बहुत अधिक संक्रमित हो जाते हैं तो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ भी सकती हैं और झुलसी भी दिखाई देती हैं। पॉडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण के उपाय के लिए संक्रमण के प्राथमिक स्रोत को कम करना जरूरी है, जैसे कि पहले की फसल या जब भी फसल हुई आपकी और आप ख़त्म होने लगी तो सारे अवशिष्ट पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। अलवल तो ये होता है कि उसको कहीं गड्ढे गहरे में गाड़ दें, या सबसे उत्तम होता है कि हम सारे प्रभावित पौधे को जला दें। रासायनिक फफूंदी नाशक में हेक्साकोनाजोल आता है जो इफको का किंकी के नाम से आता है। यहाँ चित्र भी आप देख सकते हैं, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम प्रति एकड़ का हिसाब से छिड़काव करना है। ये भी आपको फार्मिस्टो मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, घर बैठे आप मंगा सकते हैं। और इफको ससक 500 लीटर पानी में 200 ग्राम प्रति एकड़, या इफको का ही यमाटो या इफको का कुगुया या इफको का मोयासी का भी उपयोग किया जा सकता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक कर हमें प्रेरित करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो ला सकें। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग या पादप पौध गलन, जिस बीमारी को हम लोग बोलते हैं, ये भी फफूंदी जनित बीमारी है और ये बीज के संक्रमित होने से अंकुर निकलते समय पौधों की मृत्यु के कारण का कारण हो जाता है। तो फसल के प्रारंभिक चरण में ही गंभीर रूप से पौधे को बाधित करता है और कई बार हमें दोबारा भी जो है सो बीज लगाना पड़ जाता है, क्योंकि पूरा अगर बीज संक्रमित है तो पौधे नहीं होंगे या पौधे होते ही जो है सो सीडलिंग के समय ही ये मर जाते हैं। तो बहुत बार बीज तो संक्रमित, ये संक्रमित बीज अगर हैं तो पौधे निकलने से पहले भी सड़ सकता है। तो अक्सर मिट्टी के स्तर पर जो है ना ये पानी से भींगा हुआ होता है जब अगर प्रभावित पौधा है या प्रभावित बीज है, संक्रमित बीज है तो, और रंग बहुत भूरा हो जाता है और तना सिकुड़ा हुआ विकसित होता है और फिर पौधे भी गिर जाते हैं और पूरी तरह से मर जाते हैं। मुख्यतः अगर हमारे खेतों में जल निकासी की सुविधा अच्छी से नहीं है तो ये बीमारी जल्दी फैलती है। तो जैसा कि मैंने बताया, जल निकासी का मुख्य कारण होता है, तो इसके लिए नियंत्रण के उपाय में सबसे जरूरी है कि हमने कुशल जल निकासी का प्रावधान किया हो। हमारे खेत में पानी जमना नहीं चाहिए या कहीं पर भी, या खेत जो है हमारा वो बराबर से बना हो, कहीं गड्ढा या ऊपर नीचे ना हो खेत। उसमें भी हम जब फ्लड इरिगेशन करते हैं या पानी देते हैं नाले से तो पानी जमने का उपाय होता है। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि ये बीज में भी संक्रमित हो सकता है, संक्रमित बीज के कारण भी होता है, तो हमें जो है सो बीजोपचार करना चाहिए, जिसमें कि 20 मिनट के लिए बीज को 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी में उपचार करें, या हम रासायनिक तत्वों में कार्बेंडाजीम या मैनकोजेब से भी बीज का उपचार कर सकते हैं, जो कि 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम मिला देते हैं पाउडर, और उसके बाद जो है सो इस बीज को हम खेतों में डालते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जमीन में होता है, मिट्टी में ही फफूंदी फैलता है एक दूसरे से, तो मिट्टी का भी हम लोग सिंचाई करते हैं दवाई से, जैसे कि इफको गोजरू है जो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिलाकर खेत की मिट्टी पर छिड़काव करना है। मिट्टी पूरा भींग जाना चाहिए खेत का, जिससे कि अगर वो फफूंदी के बीज हैं हमारे खेतों में पहले से, तो वो इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या इसको गोजरू से मर जाए। चौथा हमारा डिजीज है विल्टिंग। भिंडी में विल्टिंग, फ्यूजेरियम या वर्टिसिलियम, दो फफूंदी होते हैं, दोनों के कारण हो सकता है और दोनों के लक्षण प्रायः लगभग समान है, एक ही जैसे हैं, तो दोनों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि हम लैब में संक्रमित पौधा को नहीं ले जाएं कि ये फ्यूजेरियम से हुआ है या वर्टिसिलियम विल्ट से हुआ है। वर्टिसिलियम से विल्टिंग हुई है, विल्टिंग का मतलब सूख जाना। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, जब ऊपर से छिलका हटाएंगे तने का,
या वो तने को क्रॉस करके कटिंग करेंगे तो उसमें जो है सो भूरी भूरी जो है सो धारीदार स्ट्रीक्स दिखाई देती हैं, और अगर तने को गोलाई में काटेंगे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से ये काला काला जो भूरा दिख रहा है वो जो है सो संक्रमण का लक्षण है। अगर संक्रमित नहीं रहता तो वो साफ रहता पूरा। ये क्या करता है कि जो पौधे में जो पानी नीचे से जल जड़ जो पानी लेता है मिट्टी से और वो फैलाता है, तो वो ऊतक में संक्रमण जो जिसको बोलते हैं कि हम लोग संवहनी ऊतक, जैसे कि पानी जड़ से पौधे के सारे भागों में जाता है पत्ते में और तने में, वो ऊतक इससे जो है सो प्रभावित होता है और पानी जाना बंद हो जाता है जिससे कि पौधे सूखने लगते हैं। और इसमें पत्ती तो सूख जाएंगे लेकिन पौधे से जुड़े ही रहेंगे। शुरुआत होती है कि पीलापन होता है और बहुत बार शायद एक तरफ से हो, क्योंकि एक तरफ का वैस्कुलर टिश्यू या जो संवहन ऊतक है वो उसके प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे पूरे सारे में फैल जाएगा तो पूरा पौधा सूखेगा। मगर शुरुआत में देखें जैसे कि लकवा मार गया हो पौधे का एक ही तरफ का पत्ता या तना या डालियां सूखी हैं, तो ऐसा इसका लक्षण है। ये दोनों ही वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम मृदा जनित रोग हैं। इसकी जो जीवाणु है वो मृदा में ही मिट्टी में ही रहती है, तो जरूरी है कि हम मिट्टी का उपचार करें। मिट्टी का उपचार के लिए हम फिर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो इसको गोजरू के नाम से आता है 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 लीटर पानी मिलाकर खेत की मिट्टी पर छिड़काव करना चाहिए, और साथ में हम यमाटो का भी छिड़काव कर सकते हैं जो कि कार्बेंडाजिम है और ये भी एक फफूंदी नाशक होता है, और ये पौधे पे देना है यमाटो। और खेत की स्वच्छता और पुरानी फसल के अवशेष निकालना ये बहुत ज़रूरी होता है। पुराने फसल में जब भी हमारी बीमारी लगी है तो उसे गड्ढे में डालना हो चाहिए, दबा देना चाहिए गहरे गड्ढे में, और उत्तम तो होता है कि हम पौधे को जला ही दें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप अपने मोबाइल नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे विशेषज्ञ आपको कॉल करेंगे। इस वीडियो में वर्णित किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए प्ले स्टोर से फार्मिस्टो ऐप डाउनलोड करके या नीचे दिए गए विवरण पर जो लिंक है उस पर भी क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। उन सभी किसानों के लिए जो सुदूर गांवों में रहते हैं और अपने घर की सुरक्षा से इस वीडियो में वर्णित किसी भी उत्पाद को खरीदना चाहते हैं, प्ले स्टोर से आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और फार्मिस्टो मोबाइल ऐप पे आप किसी भी कृषि इनपुट को खरीद सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक कर हमें प्रेरित करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो ला सकें।